أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हजूर, आज एक अहम केस में एक अहम कानूनी पॉइंट डिस्कस हुआ और उस पर बात में कई दोस्तों के साथ डिबेट भी हुई कि हक महर में बीवी को जब गैर मनकूला जायदाद निकाहनामे में बतौर हक महर दर्ज कर दी जाती है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू या उसका सबूत, बतौर सबूत उसकी कानूनी हैसियत कहाँ पे स्टैंड करती है। अब हक महर आपको पता है कि निकाह में लाजमी हैसियत रखता है और वक्त निकाह पार्टीज अगर उसकी मकदार का तयन कर लें तो फिर वो तयन शुदा मकदार हक महर कहलाता है। और अगर बाज़ सूरतों में शादी के वक्त तयन नहीं होता है तो फिर भी बीवी का जो हक महर है उसका राइट ख़त्म नहीं हो जाता, वो उसका मुतालबा कर सकती है। और अगर हावन के साथ उसका तायन ना हो सके तो फिर कानून उसको मुआहदा निकाह की बदौलत प्रज्यूम करता है, कंसिडरेशन के जुमरे में आ जाएगा। इस हवाले से मियां आरफ महमूद वर्सेस मसम्मा तनवीर फातिमा एक केस था जो कि PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 316 में डिस्कस हुआ था, जिसमें इस बात को वाज़े कर दिया गया था कि हक महर बतौर कंसिडरेशन, बतौर तबादला हक महर निकाह का तसव्वुर किया जाएगा और बीवी अदालत से रजू कर सकती है और अदालत उस बीवी का हक महर मुतय्यन करेगी और उसे महरे मिसल कहा जाता है। और अदालत यह तायन दोनों पार्टीज, हामद और बीवी की समाजी हसीयत, हामद की माली हसीयत और बीवी के खानदान की उन औरतों के हक महर जिनकी शादी माजी करीब में, बीवी की शादी के करीब करीब हुई थी, उनको मद्देनजर रखते हुए मिसले महर जो है वो मुकर्रर करेगी, यानी इसको महरे मिसल कहा जाता है, यानी उसका तायन कॉम्पिटेंट कोर्ट करेगी। और शादी के मौका पर मिलने वाले तोहफे जो खावन की तरफ से, उसके खानदान, बीवी के वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब की तरफ से आते हैं, वो हक महर नहीं तसव्वुर किया जाता। बाज़ सूरत हाल में हामंद के जो वालदैन हैं वो कहते हैं कि जी इतने तोले सोना डाला था, वो तमाम मामलात जो हैं वो तहाइफ के जुमरे में आएंगे, वो हक महर नहीं है। और इस हवाले से पिछले दिनों हमने एक बड़े ही अहम केस में देखा भी, और डॉक्टर एस अहमद वर्सेस मसम्मात उज़्मा बीबी PLD 1998 लाहौर हाई कोर्ट पेज 52 में इस बात को डिस्कस किया गया था। और मंजूर अहमद वर्सेस मोहम्मद नवाज केस जो है, जो PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 739 जो है वो इस बात के बुनियादी प्रिंसिपल्स को ड्रा कर देता है कि जो भी ब्राइडल गिफ्ट्स होंगे वो दोनों पार्टीज के जहां से मर्जी रिश्तेदारों की तरफ से आ रहे हैं, कती सूरत वो हक महर के मिसल नहीं होगा। अब सही बात तो चल रही है इमोबल प्रॉपर्टी हक महर की, लेकिन उससे पहले हम हक महर की नेचर को तो जाने पहले, उसके बाद हक महर सिर्फ और सिर्फ बीवी का हक है और उसे ये अदा करना होता है। बाज़ औक़ात बीवी हक महर की अदायगी बारे दावा करती है जबकि खावन शादी के मौका पर ही
बीवी के किसी रिश्तेदार को महज हक महर अदा कर चुकने का जो है वो झूठा सा एक दावेदार हो जाता है, उसकी अदायगी खामंद को साबित भी करना पड़ती है, और ये उजर नहीं लिया जा सकता कि हक महर बीबी की वालिद को या बीबी के वालिदा को या बीबी के वकील को या बीबी के किसी रिश्तेदार को अदा कर दे, करना बीबी को ही होगा, क्योंकि साहिब हक महर जो है वो एक कर्ज है, एक कंसिडरेशन है। अगर उसकी वसूली बारे दावा करना कानूनन ममनू हो जाए, फर्ज कर लें, प्रिजम्पशन है कि फर्ज करें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होना शुरू हो जाए, तो उसका नतीजा सिर्फ ये होता है कि उसकी वसूली के लिए अदालत की मावनत हासिल नहीं की जा सकती। ये कर्ज के तौर पर खत्म नहीं हो जाता है, उस निकाह के कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन के तौर पे खत्म नहीं हो जाता है। और फिर भी अगर कानूनी को गदगन आ जाती है, फर्ज कर लेते हैं कुछ बेमाइब नहीं है, तो फिर भी पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से, बाहमी इत्तफाक से हक महर ना सिर्फ मुतय्यन बल्कि उसकी अदायगी का तरीकाकार भी वज़ह किया जा सकता है। इस हवाले से आप जरूर देखिएगा मोहम्मद मुमताज वर्सेस मसम्मात परवीन केस है, मोहम्मद मुमताज वर्सेस परवीन अख्तर केस। परवीन अख्तर केस ये बाकायदा तौर पर 2015 CLC पेज 419 पर रिपोर्टेड है, और उसके अलावा मसम्मात बख्त रिदा वर्सेस गलाम हबीब केस है जो PLD 1992 कराची हाई कोर्ट पेज 46 में इसको डिस्कस किया गया था। अब सही बात चल रही है हक महर के अंदर जो इमोबल प्रॉपर्टी लिखी जाती है, लेकिन हक महर की बेसिक जो नेचर है उसको हमें समझना पड़ेगा इससे पहले। अब हक महर की मकदार, उस बारे तफसील, हक महर में अगर कोई जायदाद दी गई है तो उसकी मालियत और कवायफ निकाह नामे के कालम नंबर 13 से लेके 16, 13, 14, 15 और 16 में वो तमाम कवायफ दर्ज किए जाते हैं। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है साहिब, जो कि बाज़ुकात हम लोग इग्नोर कर जाते हैं लेकिन है बड़ी टेक्निकल सी। याद रखिएगा कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की जो सेक्शन 10 है वो वाज़े कर देती है कि अगर किसी निकाहनामे में हक महर की अदायगी बारे कोई तफसील नहीं ना लिखी है, मुअज्जल गैर मुअज्जल कोई डिटेल नहीं दी गई या क्या दिया गया है, देन कानून प्रज्यूम करेगा फैमिली लॉ कि हक महर मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट है। इस तरह का एक केस हमने पिछले दिनों देखा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक केस में, एक मुतज़ाद दावे के मुकदमे में जिसमें दरअसल हकीकत बीवी को फैमिली कोर्ट ने खुला के अवज खामंद को हक महर वापस करने का हुक्म दिया, लेकिन बीवी का इसरार था कि उसे कभी हक महर अदा ही नहीं किया गया। निकाहनामे में एक तरफ हक महर को मुअज्जल लिखा गया था, दूसरी तरफ उसी केस में कालम नंबर 15 के अंदर जिसमें शादी के मौका पर अगर कोई हक महर अदा किया गया है वो लिखा जाता है, यानी कालम नंबर 15 में उसमें लिखा गया था कि महर में दिए गए सोने की कीमत, बस एक तोला लिखी थी उस वक्त की कीमत 23,000 रुपया लिखी थी, वो लिखा था कि अदा कर दी गई है। जबकि एक वर्जन खामंद का भी आ गया कि हक महर बीवी की वालदा को अदा किया गया था, ये 23,000 रुपया एक मह एक तोला सोना के बस, एक तोला सोना के बराबर। अब उस मुकदमे में मैंने देखा कि जबानी शहादतें बड़ी मुबहम थी, आमतौर पे फैमिली जो केसेस हैं
खास तौर पे इस जब इमोबल प्रॉपर्टी का मैटर है या मूवेबल प्रॉपर्टी का मामला आ जाता है, तो फिर दोनों साइडों की जो शहादतें हैं वो जबानी शहादतें मुतजाद भी होती हैं, बाज़ औक़ात इनएडमिसिबिलिटी के एम्बिट में चली जाती हैं, जिसको मुतनाकिस भी और बड़ी मुबहम सी है, बड़ी गैर वाज़ेह सी थी। उस हवाले से फिर बाद में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हक महर बीवी का होता है, ना कि उसकी वालदेन का। अरे भैया, तूने 1 तोले सोने की कीमत देनी थी तो बीवी अपनी को देनी थी, बीवी की वालदा को तो नहीं देनी थी। और इस बात को बाकायदा तौर पर इंटरप्रेट भी किया गया था, मसमात बख्ते रिदा वर्सेस गुलाम हबीब केस PLD 1992 कराची हाई कोर्ट पेज 46 की हम बात कर रहे हैं। और इस बारे के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी बात को वाज़े किया गया। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में चूंकि औरतों के राइट्स की बात होती है, और हम जैसा एक वकील इस तरह की बात भी नहीं कर सकता। और अलबत्ता ये बात तयशुदा है, बख्त रिदा केस में ये डिटरमिन हो गया कि हक महर बीवी को देना है, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके किसी रिश्तेदार को नहीं देना, हत्ता के वली को भी नहीं देना है। ये मामला था हक महर का। अब हक महर में गैर मनकूला प्रॉपर्टी की बात आ जाती है कि अगर बीवी को हक महर में उसके किसी या हक महर के किसी हिस्से के अवज, पूरे हक महर के तौर पर या हक महर के किसी हिस्से के तौर पर अगर इमोबल प्रॉपर्टी दी जाए और निकाहनामा के कानून के मुताबिक उसको बाकायदा निकाहनामे में उस प्रॉपर्टी का इंदराज कर दिया जाए, तो निकाहनामे की अलग से रजिस्ट्रेशन यानी 19 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अंदराज शुदा निकाहनामे की बुनियाद पर ही वो प्रॉपर्टी बीवी को मुंतकिल हो सकती है। क्योंकि निकाह नामा जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड निकाह नामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और निकाह रजिस्ट्रार एक पब्लिक सर्वेंट होता है, इसीलिए तो एंटी करप्शन में जाके वो रजिस्टर पकड़ के खड़ा होता है। सही, आमतौर पे आप लोग, हम लोग जाते हैं जब उसके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में, तो फिर DC को कभी एप्लीकेशन देते हैं तो वो रजिस्टर पकड़ के उधर जा चला जाता है। बाज़ औक़ात एंटी करप्शन में कोई मामला बन जाते हैं तो वहां पर भी जाते हैं। इस हवाले से मैं कहूंगा अमजद हुसैन वर्सेस मसम्मात शगुफ्ता एंड अदर्स एक केस था बड़ा अहम, शगुफ्ता बीबी वाला केस, जो कि PLD 1996 पिशावर हाई कोर्ट पे 69 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देता है। अब सही बात इस तरह से है कि बहुत दफा लोग जो हैं वो हक महर में वो प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो कि दूल्हे की मलकियत ही नहीं होती है। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, वो साहिब ने 4 कैनाल रकबा बीवी को लिख दिया, कौन सा रकबा पता ही नहीं है। या बाज वकात इस तरह लिख देते हैं कि मकान वालिद का है, उसमें जो खामद का हिस्सा होगा ना, दुल्हे का जो हिस्सा होगा उसका आधा या चौथाई हिस्सा जो है बतौर हक महर दुल्हन को दे दिया जाता है। इस तरह लिखने का मतलब ये नहीं है कि चूंकि दुल्हा की मलकियत में वो जायदाद नहीं है इसलिए बीवी मुतालबा नहीं कर सकती और मुतालबे पर अदा नहीं की जाएगी, आखिर कर्ज को देनी पड़ेगी वो 4 कैनाल रकबा, अदरवाइज वो जेल जाएगा। इतना सेंसिटिव मैटर है। अलबत्ता मेरे एक दोस्त प्रॉपर्टी जब लेने देते कहते कहते इसका निकाहनामा तो चेक कर लो, कितने बुड्ढी उन्होंने लिख देता हुए। इस तरह से एक मुकदमे में जिसमें हक महर में दुल्हे ने अपने वालिद के मकान में एक अपने हिस्से का, यानी जो उसने कहा कि मेरा हिस्सा मेरे वालिद के मकान में इतना बनता है, तो 1/3 हिस्सा जो है अपने हिस्से में से दुल्हन को हक महर में लिख दिया। लेकिन दुल्हन के हक महर की अदायगी के दावे में बाद में जब दावा दायर हुआ तो पता चला कि मकान दुल्हे की वालिद की मलकियत भी नहीं है, यानी अब्बे का मकान लिख के देता है, अब्बे के मकान में से अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा, लेकिन जब दावा दायर हुआ पता चला अब्बा भी मालिक नहीं है बल्कि वो किसी और के मकान में बतौर किरायादार रह रहा है। लोग ये भी करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पिशावर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि भाई उस मकान, जो मकान इसने कहा था ना कि मेरे वालिद की मलकियत है,
और वो मकान उसके वालिद की मलकियत नहीं थी, उसमें से 1/3 हिस्सा अपने हिस्से के मुताबिक से उसने दिया था। भैया जो मार्केट वैल्यू उस मकान की होगी, उसमें से जितना हिस्सा इसने अपनी बीवी के नाम पे फर्जी तौर पे अखबार लगाया लगाया था, गलत किया था, लेकिन इसके जुमे वाजिबुल अदा है और इसको अदा करना पड़ेगा। और बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट ने आर्डर किया था कि इसको अदा किया जाना चाहिए, और जिस तरह से लैंड रेवेन्यू बकायाजात लिए जाते हैं, इस तरह इससे वसूल किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट की जाए और उसको बाकायदा तौर पर देना पड़ेगा। और इस हवाले से याद रखिएगा कि सादिया बेगम केस है, सादिया बेगम वर्सेस जहांगीर एंड थ्री अदर्स मुकदमा था, जो कि PLD 2004 पिशावर हाई कोर्ट पेज 213 में रिपोर्टेड जजमेंट है। और याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ना हमारे यहाँ पंजाब में वट्टे सट्टे की शादियों का बड़ा रवाज है, अमूमन औरतों को हक महर से दस्तबरदार भी समझा जाता है, 32 रुपये हक महर लिख दिया जाता है, कई दफ़ा हक महर तय ही नहीं किया जाता, दिया ही नहीं जाता, ये खिलाफ कानून है, औरत के हक के खिलाफ है। और आपको पता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि बाकायदा तौर पर बशीर अहमद वर्सेस उस्मान वगैरह एक केस था, जो कि NLR 1995 ST पेज 665 था, उसमें बाकायदा वाज़ किया गया था कि वट्टा सट्टा या बदले की शादी जो है वो अजवाज के वालदैन के लिए, तो चलो जो भी था वालदैन अपनी सहूलत थी, एक दूसरे के साथ वट्टा कर लिया, एक दूसरे के साथ बदल कर दिया, कुड़ी दे दी कुड़ी ले ली, लेकिन सही शादी कायम करने के लिए शादी में हक महर या कोई और सही अवस का तयन करना और फरीकैन शादी का कबूल करना, यानी वट्टा सट्टा वालदैन ने अपनी सहूलत देखी है, जो बीवियां थीं उनका हक था कि उनको हक महर दिया जाता, और एक जो जोड़ा है उसके किसी रिश्तेदार की किसी से शादी बजाते खुद उसकी अपनी शादी का कोई बदल नहीं है कि हक महर के तौर पे उसकी बहन उसके पास चली गई और उसकी बहन उधर आ गई, बट्टे सट्टे की शादी जो है वो कोई कंसिडरेशन नहीं है, हक महर मुतय्यन करना पड़ेगा, अगर मुतय्यन नहीं किया गया तो, पहले भी बात हुई है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 10 मुअज्जल हक महर है, और अगर नहीं मुतय्यन किया गया जाएं कोर्ट में और महरे मिसल मुतय्यन करवा लें साहिब। अब सही बात इस तरह से है कि हक महर में इमोबल प्रॉपर्टी देना और निकाहनामे में उसका अंदराज करना एक बड़ा अहम टेक्निकलिटी है जो आए रोज हम कोर्ट्स में देखते हैं, छोटा तो मामला नहीं है, चूंकि ये बात है लंबी थोड़ी सी, क्यों ना इस पे हम सीरीज सिगमेंट्स बना लेते हैं। तो पार्ट 1 अभी समझे, अभी चाय का वक्त है, चाय पीते हैं साहिब, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हक महर के अंदर गैर मनकूला जायदाद का लिखा जाना और उसकी बतौर जो एविडेंशरी वैल्यू है, कानूनी हैसियत है, बतौर सबूत किस तरह से वो इमोबल प्रॉपर्टी स्टैंड करेगी और किस तरह से बीवी का हक आ जाएगा, इस हवाले से दोबारा दूसरी नशिस्त में बैठते हैं और इस पे गपशप लगाते हैं। साहिब दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।